वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्लॉग्स एंड दर्शन। सो गाइस, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं क्योंकि मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को चक्रासन, जिसे योगा भाषा में हम लोग चक्रासन कहते हैं और उसे हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज में ब्रीज। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्रीज। इसमें बताऊंगा आपको कि इससे क्या बेनिफिट होती है, हमें सीखना चाहिए, किस लिए सीखना चाहिए, क्या फ़ायदा होती है इससे और किस प्रकार लोग इसमें गलतियां करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कौन सा एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज थोड़ा कम करना चाहिए और बहुत ही कम एक्सरसाइज बताऊंगा। 2 से 3 एक्सरसाइज बताऊँगा जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, बहुत कम समय में भी सीख सकते हैं। तो चलिए इसकी विशेषता के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि इससे क्या बेनिफिट होती है। इससे बेनिफिट ये होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, वो इससे स्ट्रांग होती है। जो हम लोग का पाचन तंत्र होता है वो इसमें मजबूत होती है। हमारा जो बैकबोन होती है वो लचीली होती है। और भी भाई कई फायदे हैं इसका। इसमें हाइट भी इंक्रीज होती है, इससे थोड़ी थोड़ी हाइट भी इंक्रीज होती है जब कंटिन्यू जिसका कंटिन्यू एक्सरसाइज ये करते रहते हैं उसका। तो चलिए अब इसका विशेषता के बारे में बात कर लिए, आप चलते हैं वीडियो की ओर। एक्सरसाइज बताऊँगा कि कौन से करनी है। तो चलिए चलते हैं। पहले तो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले गलतियाँ लोग क्या करते हैं। गलतियाँ लोग सबसे पहले ये करते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं, कहीं भी जैसा स्थान उसको मिलता है ऐसे करके वो ऐसे कर लेते हैं उसको, ऐसे देखिए, ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं ब्रीज। ये ब्रीज है ही नहीं, ये देवल का पोज है, ये ब्रीज नहीं है। ब्रीज करने के लिए आपको, देखिए सही फॉर्म में ब्रीज कैसे होता है वो सिखा दें आपको। ब्रीज करने के लिए आपको ऐसे सिंपल ऐसे बैठने के बाद पूरा लेट जाना है। लेटने के बाद ये पैर को पूरा ओपन नहीं रखना है और पूरा क्लोज भी नहीं रखना है, ये मीडियम बीच में रखना है जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ये हाथ को उल्टा रखना है ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। उसके बाद आप एक कमर है उसको पहले उठाइए, कमर को उठाइए। उसके बाद धीरे धीरे ये जो आपको शोल्डर है ये सब उठाने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे सर के सहायता ले सकते हैं, हेड को ऐसे रखेंगे तो थोड़ा आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ से उठाने की पूरा कोशिश कीजिए, ऐसे ऐसे। तो ये आपका हो गया सही पोज में, ये आपका पूरा चक्रासन हो गया यानी ब्रीज हो गया। इसको आप कुछ एक्सरसाइज में, छोटा छोटा एक्सरसाइज में कन्वर्ट करता हूँ आपको और कन्वर्ट करके आपको देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो है आपको ये करनी चाहिए। ये आपको सिंपल यहाँ पर रख कर और यहाँ पर रख कर ऐसे होने के बाद सिंपल आपको ये उठाना चाहिए और इसी प्रकार से आपको कुछ देर तक प्रैक्टिस करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 लगभग ऐसे 5 सेकेंड तक ऐसे कीजिए। ये हो गया आपका पहला एक्सरसाइज। अब चलेंगे हम लोग दूसरा एक्सरसाइज की ओर। आपको दूसरा एक्सरसाइज में क्या करनी है वो देखते हैं। आपको दूसरा एक्सरसाइज में ये करनी चाहिए कि उस बिल्कुल उसी प्रकार से लेट जाएंगे। आपको लेटने के बाद ये आपका सो कमर है, कमर को ज़्यादा उठाइए और इसको पूरा डाउन यहीं पर रखिए, ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे। तो आपका ये हाथ में, किसी का लोग हाथ में ज़्यादा पावर नहीं होता तो ज़्यादा हम उठा नहीं पाते, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए धीरे धीरे। ये थोड़ा कमर को ज़्यादा उठाने को कोशिश कीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड ने आपको करके दिखाया। आप अपने क्षमता के अनुसार रख सकते हैं, जैसे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसे करके। तो ये आपको दूसरा एक्सरसाइज होगा। अब चलेंगे हम लोग तीसरा एक्सरसाइज की ओर और इसमें प्रैक्टिस ही करनी है आपको डायरेक्ट। अब प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको बढ़ानी है। आप अगर जो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक दिन में भी सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो जैसे कि आपको बताया मैं, उसी प्रकार से ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी आप इसके करीब हो जाएंगे। और जो सही फॉर्म में 20 पुशअप लगा देते हैं उनके लिए बहुत आसान है करने के लिए, क्योंकि उसका बाजू में ताकत होती है तो आसानी से उठा पाएंगे। तो चलेंगे हम लोग अब आगे। ये आपको करनी है ऐसे, यहाँ तक तो आपको बता ही दिया मैंने। उसके बाद उठाइए डायरेक्ट ऐसे, उठाने के बाद यहाँ पे इतना दूर उठा के और यहाँ पूरा उठाने की कोशिश की, तो आप यहाँ पे पूरा उठा नहीं पाइएगा, इतना ही होगा। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के अनुसार, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप में नियंत्रण आ जाएगा और आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप ऐसे पूरा करना है ऐसे। तो शुरुआत में आपको तो ऐसे होगा इस प्रकार से, लेकिन ये सही मायने में ये भी पूरा सही नहीं है, ये भी थोड़ा थोड़ा गलत है। अब पूरा सही आपको कैसे करना है कि आप जो धीरे धीरे सीखने के बाद तो पूरा सही करके आपको दिखाता हूँ कि पूरा सही होता कैसे है, आखिर ये भी गलत है, फिर से सही कौन है। तो देखिए आपको सही बताते हैं। सही आपको करना है कुछ इस प्रकार से, देखिए देख रहे हैं मेरा पैर जो है ना वो मुड़ा हुआ नहीं, सीधा है मेरा पैर, देख रहे देख पा रहे होंगे। और हाथ भी इधर सीधा, ये हो गया आपका सही होंगे, ये आपका सही है, ये मतलब ये जो चक्रासन है वो सही है और ये ब्रिज जो है वो सही है। अब बाकी वो दो मैं सिखाया था आपको शुरुआत में बिगनर्स के लिए, वो सब तो आपको ऐसे करना है। तो ये वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज बताया जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से चक्रासन सीख सकते हैं, यानी ब्रिज सीख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब यार, क्योंकि मैं इसी प्रकार का एक्सरसाइज का इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहता हूँ और इसी चैनल पे ब्लॉग्स का भी वीडियो डालता हूँ। और मैं जहाँ रहता था पहले सदगांव बासुड़ी में, वहाँ नहीं रहता, जैसे कि आप लोग ब्लॉग देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। मैं नवादा में रहने लगा हूँ और आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा ब्लॉग्स का, बहुत ही अच्छा जगह नया नया जगह जाकर मैं दिखाऊँगा। तो चलिए तो गाइस, जैसे कि आप लोग अगर ये सीख जाएंगे पूरा ब्रिज करना अच्छा से, उसके बाद आप किसी पे जैसे ब्रिज के फॉर्म में मैं मेरा दोस्त है उसको मैं अभी यहाँ पे चढ़ाऊँगा, यानी कि मैं उल्टा रहूँगा और मेरे पेट पर चढ़ेगा, आप ऐसे भी कर लीजिएगा। तो चलिए कैसे करना है आपको दिखाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी, कुछ सीख गए होंगे इस वीडियो से। आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।